दोस्तों, क्या आप भी ढूंढ रहे हैं अपनी विंडोज की इस करप्टेड .bkf फाइल या फिर zip फाइल को रिपेयर और एक्सट्रैक्ट करने का एक बेस्ट सोल्यूशन? तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जानवी और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपने विंडोज की इस करप्टेड .bkf फाइल या फिर zip फाइल को किस तरह से रिपेयर और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमेशा की तरह कुछ ही स्टेप्स में और बेहद आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ हमें अपनी इस .bkf फाइल को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले करना होगा सिस टूल्स bkf रिपेयर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड। सॉफ्टवेयर के इस डाउनलोडिंग पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप सिर्फ वन ही क्लिक में इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों, सिस्टूल्स BKF रिपेयर सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में इंस्टॉल करने के बाद आप सिर्फ 4 स्टेप्स में ही अपनी इस करप्ट बैकअप फाइल को रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ इस सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस भी काफी यूजर फ्रेंडली है। यहाँ हमें लेफ्ट साइड में दिए गए इस स्कैन फाइल के बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद हमारे सामने एक स्कैन ऑप्शंस की विंडो ओपन होती है, जिसमें हम ब्राउज के बटन पर क्लिक कर अपनी बैकअप की फाइल यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ .bkf फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे मिल जाते हैं 3 टाइप के स्कैनिंग ऑप्शंस। यहाँ क्विक स्कैन चूज कर सकते हैं आप, अगर आपकी बैकअप फाइल में मिनिमम करप्शन है तो। नेक्स्ट है डीप स्कैन, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी बैकअप की फाइल हाईली करप्टेड है तो। इसके साथ ही अगर आप यहाँ विंडोज एंटी वेरिटास और सिमेंटिक .bkf फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो भी आप इस डीप स्कैन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये डीप स्कैन ऑप्शन आपकी zip फाइल को सपोर्ट नहीं करता। और यहाँ लास्ट स्कैनिंग ऑप्शन है आपके पास, रेंज बेस्ड स्कैन ऑप्शन। इस ऑप्शन का यूज आप अपनी .bkf फाइल के स्पेसिफिक डाटा को स्कैन करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ 75% से 100% चूज करते हैं तो आपकी सिलेक्टेड बैकअप फाइल से सिर्फ आखिरी का 25% डाटा ही एक्सट्रैक्ट होगा। फिलहाल हम यहाँ डीप स्कैन ऑप्शन को चूज करेंगे और स्कैन के बटन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद यहाँ हमारी फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। अब हम इस क्लोज के बटन पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद एक छोटा पॉपअप मैसेज आता है, यू वांट टू लोड प्रीवियस स्कैन फाइल। यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड के पैनल में देख सकते हैं आपकी बैकअप फाइल की कंप्लीट फोल्डर्स यहाँ विजिबल हो चुके हैं। अब यहाँ आप इन चेक बॉक्सेस पर चेक करके या तो कोई भी सिंगल फोल्डर या मल्टीपल फोल्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कंप्लीट फोल्डर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इस ऊपर दिए गए चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं इस तरह से। और इसके साथ ही आप यहाँ फोल्डर्स के अंदर से किसी भी सिंगल या फिर मल्टीपल फाइल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पहले फाइल्स को इन चेक बॉक्सेस पर चेक करके हमें सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ अपने कंप्लीट बैकअप फाइल के डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट के बटन पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, जिसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑप्शंस की एक न्यू विंडो ओपन होती है। हमें इस ब्राउज के बटन पर क्लिक करके यहाँ अपनी आउटपुट की फाइल को सेव करने की लोकेशन सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट मोड में 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, पहला एक्सट्रैक्ट एट ओरिजिनल लोकेशन। अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपकी रिकवर की गई बैकअप की एक्सट्रैक्टेड फाइल्स जहां पहले सेव थी यानी कि ओरिजिनल लोकेशन पर ही सेव होंगी। दूसरा ऑप्शन है यहां एक्सट्रैक्ट एट सिलेक्टेड लोकेशन। इस ऑप्शन को चूज कर आप अपनी रिपेयर की गई .bkf फाइल को अपनी सिलेक्टेड लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ एक्सट्रैक्ट एट सिलेक्टेड लोकेशन को चूज करेंगे और नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारी .bkf फाइल की रिकवरी सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आई इस पॉपअप मैसेज में हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपके एक्सट्रैक्टेड फाइल्स की पाथ और उनसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखाता है इस तरह से। और अब यहाँ हम अपनी आउटपुट फाइल भी चेक कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि अगर आप SwissTools BKF रिकवरी सॉफ्टवेयर की वर्किंग स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके हाउ इट वर्क्स पेज का लिंक दिया गया है, जहाँ आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जवाब जरूर देंगे। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वाईफाई गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।